टूनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ खुशी का जीवन बिता रही होती है। उसकी मम्मी दुर्गा माँ की पूजा किया करती है। एक दिन टूनी अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी आप ये पूजा क्यों करती हैं? अरे टूनी, ये माँ दुर्गा है और इनकी ही कृपा से तू मुझे मिली है, इसीलिए हमेशा मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। टूनी रोते हुए बोलती है, इसका मतलब मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? ले 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 मेरी मासूम टुनटुनी, ऐसी बात नहीं है, मैं दुर्गा माँ से तुझे मांगकर ही तो पाई हूँ, उनकी आशीर्वाद से ही तो तू मेरे घर पैदा हुई है। मेरी टूनी, तुझे जब भी अकेलापन महसूस हो और कोई तेरे पास ना हो तो तू माँ दुर्गा की पूजा करना, 9 दिन का व्रत रखना और माँ दुर्गा तेरे सभी दुखों को खत्म कर देंगी। याद रखना, जब कोई साथ नहीं होता है तब माँ दुर्गा ही साथ होती है, अगर उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाए तो। ऐसे ही दिन बीतते रहे। अचानक एक रात जंगल में तेज तूफान और बारिश होती है। बाढ़ जैसा पानी चारों तरफ भर जाता है, जिसके कारण टूनी के मम्मी पापा उस पानी में बह जाते हैं। टूनी अब दुनिया में अकेली रह जाती है। उसके पास अपना एक बड़ा घर भी है और खूब पैसे भी हैं। टूनी अपने घर में बैठी रो रही होती है, तभी टूनी की दूर की चाची आती है और टूनी से कहती है, मेरी बच्ची टूनी, ये सब क्या हो गया अचानक? मैं तो जैसे ही ये सब सुना तो बिना देर किए तेरे पास चली आई। टूनी भागकर अपनी चाची के गले लग जाती है। चाची, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, अच्छा किया आप आ गई मुझसे मिलने। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं तेरे पास ही रहूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। टूनी की चाची ने टूनी से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। चाची ने अपने दोनों बच्चों को भी उसी घर में बुला लिया। एक दिन टूनी पढ़ाई कर रही होती है, तभी चाची का बच्चा उसकी किताब फाड़ देता है और खुद ही जोर जोर से रोने लगता है। चाची भागते हुए आती है और आते ही टूनी को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, जा टूनी, जाकर बर्तन धो ले, उसके बाद कुछ कपड़े हैं उनको भी अच्छे से धो लाना नदी से, वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, नहीं तो मैं ही धो लेती। टूनी रोते हुए वहां से चली जाती है, रोते हुए सारे बर्तन धो लेती है, फिर कपड़े लेकर नदी के घाट पर आ जाती है। कपड़े धोते हुए उसकी नजर एक पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया पर आ जाती है, जहां एक मम्मी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है। टूनी को यह सब देखकर अपनी माँ की याद आ जाती है और उसे ध्यान आता है कि उसकी मम्मी ने उसे दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए कहा था। टूनी घर जाती है और दूसरी सुबह अपने कमरे में एक मंदिर बनाकर दुर्गा माता की पूजा करने लगती है। वो रोज नदी में नहाकर फूल और फल लेकर पूजा करने लगी। टूनी की चाची ये सब देखकर टूनी से कहती है, ये टूनी, मैं सब देख रही हूँ, तू आजकल क्या कर रही है? अगर तूने ये पूजा व्रत ये सब बंद नहीं किया तो मैं तेरी स्कूल की किताब जला दूंगी। टूनी कहती है, चाची मैं आपका दिया सारा काम ठीक से करती हूँ, फिर भी आप मेरी पूजा बंद करवाना चाहते हैं, मेरी किताब जलाना चाहते हैं। आप और आपके बच्चे मेरे घर में रहते हैं, मुझसे काम करवा कर मुझे ही बुरा बोलते हैं। अगर आज मेरी मम्मी पापा जिंदा होते तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाती। चाची को टूनी की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो डंडा लेकर टूनी को मारने लगती है। बहुत जबान चलने लगी है आजकल तेरी, तुझे तो मैं अभी मार मार कर सीधा कर दूंगी। चाची के बच्चे टूनी को मार खाता हुआ देखकर तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। टूनी बेहोश होकर गिर जाती है, तभी उसकी चाची टूनी को कमरे में बंद कर देती है। टूनी को जब होश आता है उसे अपनी मम्मी दिखाई देती है, जो टूनी के पास बैठी होती है। टूनी कहती है, मम्मी
आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आपके सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। मेरी बच्ची, तो पूरे मन से अपना व्रत को पूरा करना और अपने सारा ध्यान बस माँ दुर्गा की पूजा पर ही लगा देना। 2 दिन बाद जंगल से 9 छोटी चिड़िया बच्ची आएंगे और उनको प्रसाद बनाकर खिलाना। मेरी टूनी, सब ठीक हो जाएगा। माँ दुर्गा जल्द ही तेरी सभी दुखों को दूर कर देंगी। अचानक टूनी की आंख खुल जाती है और उसे सब सपना जैसा लगता है, लेकिन टूनी को अपनी मम्मी की सारी बातें याद होती हैं और वो खिड़की से निकल जाती है, नदी में नहाकर फूल और कुछ मीठे फल तोड़कर ले आती है। जब टूनी घर आती है तो उसकी चाची और उसके बच्चे वहां नहीं होते। टूनी खुशी खुशी पूजा करती है और प्रसाद बनाकर आए हुए 9 चिड़ियों को खिला देती है। सबको प्रसाद खिलाती है और सबको गिफ्ट देती है, चुनरी ओढ़ाकर सबका आशीर्वाद लेती है। तभी टूनी की चाची और उसके बच्चे आ जाते हैं। टूनी को पूजा करते देखकर चाची को गुस्सा आ जाता है और वो टूनी को मारने के लिए एक डंडा उठाती है। तभी वहां शेर पर बैठी दुर्गा माता प्रकट हो जाती है और टूनी को आशीर्वाद देती है। टूनी, आज से जो भी तुम्हें मारना चाहेगा उसके हाथ खुद ही उसे मारना शुरू कर देंगे, और जो भी तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा उसके साथ वैसा ही हो जाएगा, और अगर कोई अच्छा सोचेगा तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। ये कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती है। टूनी की चाची को यह सब टूनी का एक नाटक लगता है। वो टूनी को मारने के लिए फिर से डंडा उठाती हैं और जैसे ही मारने जाती हैं वो डंडा उल्टा चाची और उसके बच्ची को ही मारना शुरू कर देती है। तीनों भाग जाते हैं, फिर कभी टूनी के घर वापस नहीं आते। टूनी अब खुशी से रहने लगती है। वो अपने पैसों से जंगल के पक्षियों की मदद करती है और दुर्गा माता की पूजा करती है। हरिपुर जंगल में रीनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी मम्मी पापा उसकी बड़ी बहन मीनी चिड़िया और भाई बंटी चिड़िया से बहुत प्यार करते थे। बेटी रीनी चिड़िया से कोई भी प्यार नहीं करते थे, पर रीनी चिड़िया सभी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब सब एक साथ चाय पी रहे थे, तभी वहाँ रीनी चिड़िया आई और बोली, मम्मी पापा, क्या मैं भी आप लोगों के साथ बैठूं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर हमें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम जाओ यहाँ से। तुम किचन में जाओ, नाश्ते में हम सब पूरी सब्जी खाएंगे, तुम उसकी तैयारी करो। तू अभी तक खड़ी है, जा यहाँ से। ये सब सुनकर रीनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन उसके घर में उसके पापा की एक दोस्त आते हैं, जो बहुत अमीर थे। रीनी के पिता चाहते थे कि उनके बेटे की शादी मीनी से हो जाए। अरे आओ आओ, बैठो बैठो, और बोलो क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। अरे मीमी, बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, क्या कर रही हो अभी? अंकल, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे सुरेश, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी वहाँ रीनी चिड़िया आती है और बोलती है, सभी के लिए खाना लगा दिया है। तभी कबूतर पूछता है, अरे सुरेश, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? अंकल, वो तो हमारे घर में काम करती है। ये सुनते ही रीनी चिड़िया बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। बंटी की इस बात से घर में सभी हैरान हो जाते हैं, पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। रीनी चिड़िया दुखी होकर दूर एक पेड़ में जाके बैठती है। वहाँ रीनी की दोस्त राजू चिड़िया बैठा था। क्या हुआ रीनी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो?
मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है, मेरी गलती क्या है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? छोड़ो ये सब, मन लगा के पढ़ाई करो। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, भूलो मत। नहीं, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, मैं जरूर अपने पैर पर खड़ी होंगी। ये बोलकर रीनी चली जाती है। दिन गुजरते हैं। रीनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपने स्कॉलरशिप से वो अपना पढ़ाई चला रही थी और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। मम्मी पापा, मम्मी मेरी नौकरी लग गई है, ये लीजिए मिठाई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। हाँ बहुत अच्छी बात है, अब हम तुम्हारी शादी करा देंगे। पापा मैं राजू से शादी करूंगी, वे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, मैं जहाँ बोलूंगा तुम वहीं शादी करोगी। नहीं पापा, राजू हर वक्त मेरा साथ दिया है, मैं उसी से शादी करूंगी। फिर ठीक है, तुम उससे शादी करो, पर हमारे साथ कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। ये बोलकर रीनी के पापा चले जाते हैं। रीनी दुखी होती है, पर वो जानती थी कि राजू ही है जो उससे प्यार करता है, इसीलिए वो घर से चली जाती है और राजू से शादी करके खुशी से जिंदगी बिताने लगती है।